अकेले बैठकर ना खाएं, सबके साथ बैठकर, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ बैठकर खुशी से खाएं, है ना। उस वक़्त टेलीफोन को अपने पास न रखें, बिजनेस के बारे में उस वक़्त डिस्कस न करें, है ना, है ना। ज़रा मन को दुनिया से थोड़ा हटा लें, थोड़ी देर के लिए हमें अलग रहना है। 24 घंटे दुनिया के बारे में फिक्र करते रहें, ये दुनिया बिगड़ जाएगी। तो कब खाना और कब नहीं खाना है, भूख लगने के बाद, भूख डकार होकर 3-4 घंटे के बाद खाएं। जरा कृपा करके मन को शांत रखे खाएं, मन अशांत हो तो न खाएं। शरीर में कोई बीमारी हो तो न खाएं। न खाएं माने पूरा फाका नहीं है, थोड़ा 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 ले सकते हैं, क्या लेना है मैं आगे बता दूंगा। सादा भोजन न लेना, और भोजन करने के बाद कम से कम 2 घंटे आप आराम कर सकते हैं तो भोजन ले सकते हैं। अगर उतना आराम न मिलेगा, दुनिया के काम हो तो दिन में हल्का रखें भोजन को। अगर इस तरह करें, शरीर बिल्कुल हल्का रहेगा, बारी नहीं बनेगा, कोई बीमार कोई रोग नहीं होगा, और जीवन भर माने पाचन शक्ति ठीक रहेगी, हाजमा ठीक रहेगा, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। अगर छोटी छोटी बीमारी तक नहीं होगी तो कहां से टीबी और कैंसर और एड्स होगा ही नहीं। बिल्कुल रोगी बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, तभी रोगी रोगी बन सकते हैं। अगर आपको DSC की डिग्री चाहिए, उसके लिए योग्यता को बढ़ाते जाएं तभी आपको वो डिग्री मिलेगी। माने रोगी बनने के लिए योग्यता न हो, अंदर अपने आप को साफ रखें, है ना। तो ये पूरे समझ लें, इनके सार सबके बारे में मेरे गुरुजी के, माय गुरुजी सन हैज रिटन ए बुक कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन। कुछ लोग किताबों में मांगे हैं, 2-3 दिन में मैं बोला हूँ ला दूंगा, यहाँ किसी के पास दे दूंगा, आप किताबें पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया किताब हैं, फेयरली चीप बुक्स। एक किताब है कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन प्रिवेंशन एंड क्योर बाई नेचुरल मीन्स, आज जो बताया सारे उसमें है। ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, मैं तो टेप रिकॉर्डर हूँ, वहाँ से जो ज्ञान मिला है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। ये गुरुजी से मिला है सारा, उनकी कृपा है। अब इतना है कि आचरण से मुझे पूरे समझ में आ गया, मैं दूसरों को आराम से बता सकता हूँ। अब हमें ये पता लग गया कब खाना और कब ना खाना। जब खाने का टाइम आ चुका है, खाने का टाइम माने इस इन नियमों के अनुसार टाइम आ चुका है, घड़ी के मुताबिक नहीं, तो कितना खाएं ये भी समझ लेना। पहले ही बता चुका हूँ, पेट को पूरा भर लें तो हाजमा शुरू हो नहीं सकता, है ना। एक मैदे से एक तृप्त डकार निकलता है, जब मैदा आधा भरा है वहीं ख़त्म कर लें, है ना। हमारे घर में अतिथि आते हैं, गेस्ट, ज्यादा ना खिलाए, उनको खुश रखें। आप ये ना सोचना ज्यादा खिलाने से उनको खुश रख सकते हैं, नहीं, उनकी माने उनका दुख और बढ़ेगा। उनको बाकी कई तरीकों से खुश रखें, सही तरह के खाना खिलाएं, पर कभी भी आधे मैदे से न भरें। कभी कुछ ज्यादा खाना पड़े अगले 1-2 दिन के लिए, उसके लिए परहेज कर लेना। लोग मुझे पूछते हैं इतने नियम को अपनाना तो मुश्किल है, अगर कहीं शाम को शादी हो जाना है तो क्या करूं। आपको पता तो है शादी है, पता तो है, पहले इनविटेशन 4 दिन पहले आ चुका है, है ना। वहां जाएं तो वहां डालडा और वही मिलेगी, गंदी चीजें ही मिलेंगी। जाने के पहले घर पे एक प्लेट, पूरा बड़ा प्लेट सलाद खाकर चले जाएं। ये सलाद तो वहां मिलेगा नहीं, सलाद तो वहां मिलेगा नहीं, है ना। एक बड़ा प्लेट कच्चे सलाद पेट भर खाकर चले जाएं, और
इन माने वो जो शादी के लिए जो जो इन जो जो प्रेजेंट करना है सब कुछ ले जाइए, कुछ ही से जाइए, बात कीजिए, प्रेजेंट वगैरह दीजिए, उनके आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। और अगर वो तंग करें खाने के लिए, अरे भैया आज भूख नहीं है, असल में भूख नहीं है, भूख नहीं है, थोड़ा सा ले लूँगा, फिक्र ना, आज तंग ना करो, वहाँ जाकर ये लेक्चर वहाँ ना दें सबके सामने, ये लेक्चर ना दें, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो खाना खा रहे हैं वो भी बदहजमी हो जाएगी, आपत्ति आ जाएगी। माने उनको आगे जाकर अलग दे देना, बताना उनको, उस वक्त ना बताएं, है ना, और उनको कह देना जो वहीं से जो जो थोड़ी सी चीज़ें जो बल बहुत बुरी नहीं है वो थोड़ा मुंह में लग कर, भैया बहुत खुश हैं, फिर आ जाऊँगा, आ जाए। बी केयरफुल व्हेन यू ईट आउटसाइड। कई लोग अपने घर में तो नियमित रूप से खाते हैं, बाहर तो कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, ये ना करें, क्योंकि बाहर जो चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल बेकार हैं, सारे डालडे से बने हुए हैं, मैदे से बने हुए हैं, बिल्कुल तली हुई हैं, सब कुछ बिगड़ा हुआ है ना। अगर आप बहुत कम लेंगे या न लेंगे, असल में और ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो, क्यों, उनका पैसा कम खर्च है ना, और ज़्यादा खर्च, मैंने आजकल कोई ही आपसे दुखी नहीं होता अगर आप ना खाएंगे। इफ यू ईट वेरी लिटिल एवरीबडी वेलकम्स यू, अगर आप बहुत ज़्यादा खाने वाले हों तो आपको माने वेलकम नहीं करेंगे। तो कम से कम खाएं, कभी पेट को आधे आधे हिस्से से ना बढ़ाना बढ़ाना करें, और कृपा करके ये कैलोरी थियरी, या उसको मैं कभी कभी कॉलरी थियरी भी बोलता हूँ, ये तो खोल माने कोयला डालने की बात है ना, वो उनको ना माने, बगैर भूख ना खाए। हमारे घरों में दिल्ली में कई लोग इसको अपनाए हैं, उनके घरों में बीमारी नहीं होती, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमने एक स्कीम चलाया है अपने ओर से, हर एक अपने अपने ओर से, जो बच्चा मान लीजिए तीन बच्चे हैं घर पे, जो बच्चा बिल्कुल बीमार नहीं पड़ता साल भर, उनको 3,000 रुपया या ना अपने अपने मैंने स्टेटस के मुताबिक, तुम्हें या बैंक में लगा दूंगा तेरे नाम पर, या तुझे गोल्डन वॉच चाहिए या कुछ चाहिए दे दूंगा, मैंने हेल्थ बोनस। इसीलिए कोई भी बच्चा बीमार नहीं होना चाहता हमारे घरों में, अगर थोड़े भूख न लगे, थोड़ी सी परेशानी हो, माँ के पास आकर बच्चा कहता है अरे आज भूख नहीं है, मुझे तंग ना करो, आज नहीं खाऊंगा, पट्टी लगा कर मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो इंस्टीट्यूट अ हेल्थ बोनस इन योर होम्स सो दैट द चिल्ड्रन मे नॉट फॉल इल। अच्छी चीज़ों को बच्चों को सिखाएं, बच्चों को सिखाने का कुछ और ढंग से सिखाना पड़ेगा, कहानियों से सिखाना पड़ेगा ठीक ढंग से, हैं? तो सिखाएं ताकि बच्चे बीमार हो जाएं, हम परेशान हो जाते हैं, बच्चों को कोई बीमारी ना। ये हैं दूसरे सवाल का माने जवाब, कितना खाना है, कभी मैदे को आधे हिस्से से ना भरा करें, है ना, ये सारे हमारे ग्रंथों में हैं, सारे ग्रंथों में, नॉट इन वन ग्रंथ, सारे ग्रंथों में ये ज्ञान भरा हुआ। अब आगे और तीन सवाल हैं, माने दिन में कितने बार खाना है, किस तरह बनाकर खाना है, और क्या खाना और क्या ना खाना, इसके बारे में आगे हैं कल परसों पूरा बता दूंगा, समझकर इसने इसको आचरण में लाना। आपके पास जो ज्ञान मिला है दूसरों को दे बांटते जाएं, दूसरों को ज्ञान देते जाएं, ताकि वो लोग भी बीमार न पड़े, है ना, हम सब खुश रहें और सुखी रहें। कल सुबह मिलेंगे। इस शक्ति की ओर से एक कोशिश होती है उस विकार को निकलवाने के लिए, उसी वक्त हमें जुकाम खांसी वगैरह वगैरह होता है, है ना, ये हमारी भलाई के लिए होता है। मेरे गुरुजी आचार्य लक्ष्मण शर्मा, जो प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़े निपुण थे,
उन्होंने संस्कृत में माने सारे प्राकृतिक चिकित्सा का 1600 श्लोक, माने प्रोस में नहीं है, पोएट्री में 1600 श्लोक लिखे हैं उन्होंने, जैसे गीता रामायण वगैरह श्लोक में है। मैं उनसे पूछा था, आप संस्कृत में क्यों लिखे हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा आम लोगों का। उन्होंने तो अंग्रेजी में भी लिखा है और मैंने बहुत कुछ प्रचार किया है। उन्होंने कहा, एक ऐसा जमाना आएगा जब और बोलियां दुनिया से निकल सकते हैं, संस्कृत तो निकलेगा ही नहीं, संस्कृत तो शाश्वत है, सारी भाषाओं का मैंने जड़ है, और अगर इसमें रहे कभी न कभी ये, और मैंने 10,000 साल बाद किसी को ये मिलेगा ज्ञान, वो उन दिनों में जो बोली चलती है उस बोली में वो बताता जाएगा। वो अपने संस्कृत के काव्य में, उसका नाम है स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या, महाविद्या है ये, और स्वास्थ्य महाविद्या जिसमें सेहत को कैसे बढ़ाना, सेहत को कैसे कायम रखना, इसके बारे में बताया गया। और स्वाधीन, ये आपको स्वाधीन बना देता है, पराधीन नहीं होते इसको आप अपना लेंगे तो, है ना। तो उसमें इन्होंने लिखा है, नष्टे तु देह नैर्मल्ये, नष्टे तु देह नैर्मल्ये, भूयः सुस्वास्थ्य सिद्धये, यतते प्रकृतिर्देवी, यत्नः अयम रोग उच्यते। जब शरीर की निर्मलता कुछ हद तक नष्ट हो जाती है हमारी गलतियों की वजह से, नष्टे तु देह नैर्मल्ये, भूयः, फिर मैं चाहता हूं सब लोग संस्कृत सीख लें, संस्कृत में इतना ज्ञान भरा हुआ है ना। संस्कृत तो किसी खास धर्म की भाषा नहीं है, दुनिया की भाषा है ना। नष्टे तु देह नैर्मल्ये, जब देह की निर्मलता कुछ हद तक नष्ट हो जाती है, भूयः, फिर सुस्वास्थ्य सिद्धये, अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से पुनः प्राप्ति के लिए सुस्वास्थ्य सिद्धये, यतते प्रकृति देवी, जो प्रकृति की शक्ति अंदर है हर मानव के शरीर में, वो यत्न करती है, कोशिश करती है। यत्नः अयम रोग उच्यते, ये यही यत्न है रोग। आजकल के साइंटिस्ट से पूछें, कहेंगे कि हेल्थ इज द मीन डिजीज इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ हेल्थ, माने रोग आपके ऊपर आक्रमण करता है आपको मारने के लिए, बिल्कुल नहीं। अगर रोग न होता, बिल्कुल जुकाम या खांसी बिल्कुल कुछ न होता, एक दिन फौरन स्विच ऑफ हो जाएगा, पता तक नहीं लगेगा कब होगा। हम अपने भोजन में इस तरह से अपने कार्यक्रम बनाएं जिससे हमारे अंदर ज्यादा मैल न बने, विकार न बने, उससे हमें फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं हो। ऐसे भोजन ले जो आसानी से हजम हो सके, जिसको अपनाने के बाद शरीर के पोषण तत्व सारे मिले, और माने उससे अंदर के काम ज्यादा न बढ़े, ताकत ज्यादा खर्च न हो, और जिससे बीमारी न बने। संस्कृत में अन्न शब्द, अन्न तो सारे माने सारी भाषाओं में है पर संस्कृत का शब्द है, अन्न शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन, एक बहुत पुराने
उपनिषद में है, उपनिषद में है, तैतरीय उपनिषद में अन्न क्या है इसकी परिभाषा बताते हुए एक मंत्र आता है, अध्यते अत्यच भूतानि। मुझे पूरा यकीन है कि यही तत्व, यही ख्याल सारे ग्रंथों में है। मैं सारी भाषाओं को नहीं जानता हूं, इसीलिए मुझे संस्कृत का सहारा लेना पड़ता है। बिना उसी ज्ञान को मैंने हर भाषा में, हर ग्रंथ में अन्न शब्द की परिभाषा देते हुए कहते हैं, मंत्र हैं, अध्यते अत्यच भूतानि तस्माद अन्नम तदुच्यते। अद धातु, धातु माने वर्ब रूट, अद धातु से अन्न शब्द बनता है ना, सबका एटिमोलॉजिकल रूट होते हैं ना, अद धातु से अन्न शब्द बनता है ना। अध्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है, अद माने खाना, अद माने खाना, अध्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है वो अन्न है। क्या इसके माने उपनिषदों की जरूरत है ये कहने का? ये जरूर सबको ही जानते हैं माने अन्न क्या है, जो खाते हैं वही अन्न है। अध्यते इति अन्नम ये कहते हुए उसके फौरन बाद अत्यच भूतानि तस्माद अन्नम तदुच्यते, वो तुझे कह रहा है इसीलिए वो अन्न होता है। जो खाने वाले, जो अपने आप को खाने वाले समझते हैं, उसको अन्न खा रहा है इसीलिए वो अन्न है। क्या बात है, मतलब ये है, अगर प्राकृतिक नियमों के अनुसार भूख लगने पर अच्छे अन्न को है ना, नियमों के अनुसार दिन में दो ही बार ग्रहण करें, हम अन्न को खा रहे हैं बेवकत, नियम के बिल्कुल खिलाफ, गलत तरह के चीजों को बगैर भूख और नियमों को भी उल्लंघन करते हुए खाएं, वो बीमारी बनकर हमें खा रहा। डू यू ईट फूड और इज द फूड ईटिंग यू? आजकल कोई खाता नहीं, वो खाया जा रहा है, इसीलिए इतनी बीमारी है। अगर इसके बारे में कुछ ख्याल न करें, हमारी सेहत बढ़ नहीं सकती, इसी से बीमारी आएगी। मीठी तो है, शुगर लेते जाइए रोज, मिठाई लेते जाइए, देखिए क्या असर है उसका, है ना, क्या असर है ना। तो समझना है कितना खाना है, कौन सी चीज खानी है, क्या करना है, नियमों को पूरी तरह से समझकर। एक गाड़ी को चलाना है, उस गाड़ी के माने जो मैकेनिज्म है कंट्रोल समझ लें, ब्रेक को ठीक रखें, तभी गाड़ी को चला सकते हैं। अगर गाड़ी के बारे में बिल्कुल जानते न हो, है ना, और उसको चलाने के तरीका भी नहीं जानते हो, उसको ब्रेक भी ठीक ना हो, गाड़ी चलेगी नहीं। और सारी दुनिया कह रही है कि भोजन से ही ताकत मिलता है, भोजन जरूरी है, जैसे हवा जरूरी है, जैसे पानी लेना जरूरी है, जैसे नींद जरूरी है। अगर किसी को नींद बिल्कुल ना हो तो उससे पूछ लीजिए, अगर मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा नींद दे दो, नींद तक मुझे नहीं आती। नींद भी जरूरी है, कुछ शारीरिक परिश्रम भी जरूरी है, 24 घंटे बेकार बैठ नहीं सकते। कई जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरत, जरूरत माने टीवी रेडियो के बारे में मैं नहीं बताया, वो तो कुछ और हैं। बुनियादी जरूरत जो अपने जीवन को चलाने के लिए जो बुनियादी जरूरत है, ये कई हैं, उनमें से एक है भोजन, अन्न है ना।
और ये नहीं समझना कि इसी से ताकत मिल जाता है, ये जरूरी है, इसके बगैर रह नहीं सकते, लेना है, पर तेरा नियमों को समझ कर ले। अब पहला सवाल ये है, क्या मैंने कब और कब ना खाएं? आखिर जो खाया जाता है वो अपने आप तो हजम नहीं होगा। अगर भोजन अपने आप हजम हो सकता है तो दुनिया में बदहजमी होगी ही नहीं, अगर बदहजमी न हो तो कोई बीमारी नहीं होगी। माने अन्न को हजम करना पड़ता है, पचाना पड़ता है। अन्न को पचाने वाली शक्ति जो है वो प्राण शक्ति या जीवनी शक्ति है, जो उनकी दी हुई शक्ति है, ये कोई पिंपरी के फैक्ट्री से नहीं आता। अगर हमारे अंदर पाचन शक्ति पूरी पूरी हो, हजम करने की ताकत पूरी पूरी हो, तो हम जो खाया जाता है उसको हजम करके, हजम करने के बाद उससे कई तत्व मिलते हैं, कई तरह के विटामिन, मिनरल सॉल्स, प्रोटीन, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं हजम करने के बाद। अगर हजम ना होता तो कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा न हो मंदिर गुरुद्वारे में जाने से कोई फायदा नहीं, वहां जाकर बैठ तो सकते हैं, श्रद्धा न हो मन और कहीं लगे तो कोई फायदा नहीं। ऐसे ही पाचन शक्ति न हो, अगर उसको हम हजम नहीं करते हो तो उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अंदर गैस बनेगा, बलगम बनेगी, बारीपन होगा, तकलीफ होगी। भोजन से क्या मिलता है? कई चीजें मिलती हैं, जैसे मकान बनाने के लिए एक इंजीनियर भी चाहिए, जो कह सकता है प्लान ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे बनाना है। इसके अलावा सीमेंट भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कई मसाले चाहिए। भोजन से मसाले मिलते हैं, ताकत है, वो इंजीनियर बन नहीं सकता। इंजीनियर तो अंदर हैं प्राण शक्ति, उनकी शक्ति। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। उनकी शक्ति हमारे अंदर रह के हम जो कुछ लेते हैं, खाते हैं या पीते हैं, उसको हजम करके शरीर के माने शरीर को उससे थोड़ा लाभ मिल सकता है। भोजन से ताकत मिलता नहीं, जिसको ये लोग कैलोरी थियरी बोलते हैं, हाँ, वो कहते हैं आजकल के साइंटिस्ट, तेरा शरीर तो एक इंजन जैसा है, उसमें भोजन रूपी कोयला डालते जाएं, अगर वो अंदर जले, वो जब कोयला जलता है उससे आपको, वो जलन से आपको ताकत मिलता है। इसके लिए वो हिसाब वगैरह वगैरह बनाए, अगर इतने खद के हों, हाँ, बॉडी का वजन इतना हो, वो इतने काम करने वाले हों, या पुरुष हों या स्त्री हों, उनको इतनी कैलोरी चाहिए। बिल्कुल गलत। अगर ऐसे किताबों को पढ़कर हम खाते जाएं, बीमार ही बनेंगे। इसीलिए इतनी बीमारी है, क्योंकि लोग ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाते हैं, बगैर भूख खाते हैं, जब जरूरत नहीं है तब खाते हैं, है ना? तो कब खाएं और कब ना खाएं? उस वक़्त खाएं जिस वक़्त आपके पाचन शक्ति माने भोजन को हजम करने के तैयार हों, जब अंदर से मांग हो, अंदर से मांग हो भूख के रूप में, जब अंदर से मांग होती है उस वक़्त खाइए। हाँ, माने इनविटेशन लेटर के बगैर ना जाएं आप, ना दें। भूख क्या है,
इसके बारे में आजकल की साइंटिफिक किताबों में कहीं नहीं कुछ कुछ नहीं बताया गया। जितने भी फिजियोलॉजी के जितने भी किताबें हैं, साइंटिफिक किताबें, वो क्या है वो नहीं बताते। ऐसे ही प्राण शक्ति क्या है वो जानते नहीं, उसके बारे में बताते नहीं। जो असली चीज़ें हैं उसके बारे में बताते नहीं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बहुत पूरा विवरण है। भूख क्या है इसको इस ढंग से समझें जो आम लोग समझ सके, बच्चे बच्चे तक समझ सके। डोंट मेक इट अ हाईली टेक्निकल अफेयर, है ना। अगर मैं यहाँ बैठकर पूरे संस्कृत में बोलूं, आप लोग कह सकते हैं स्वामीनाथन तो पढ़ा लिखा आदमी है, संस्कृत में इस तरह बोलता है कि हमारे समझ में नहीं आता। वो किससे क्या फायदा है बताइए, क्या फायदा है? हमें समझ में आना चाहिए भूख क्या है। भूख कहाँ लगेगी? हमारे मेदे में, स्टमक में। जो खाना खाया जाता है मुंह में लेते हैं चबा चबा कर। एक ग्रास नली है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इसोफोगस। दोनों फेफड़ों के बीच में एक नली चलती है, ये स्टमक में मेदे में ख़त्म होता है ना। मेदा तो एक तरह की थैला है छोटी सी। इस मेदे को छोड़कर बाकी जितने भी भाग हैं सारे बिल्कुल ट्यूब नली जैसा है, सिर्फ ये थोड़ा बैग जैसा दिखाई पड़ता है। और जहाँ ये मेरा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, मेरा छोटा है, और मेदे से आगे छोटी आंत काफ़ी लंबी है, करीब 22 फुट के हैं, और इस छोटी सी जगह में टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है। जहाँ छोटी आंत ख़त्म होता है वहाँ से बड़ी आंत शुरू होता है, अंग्रेजी में कहते हैं कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, है ना। वो जो खाना हजम हो नहीं सका, जो अनपचा हिस्सा है, उसको बड़ी आंत लेकर उसको मल के रूप में बनाकर उसको शरीर से निकाल देता है, गुदे से, मुंह से शुरू करके गुदे तक। करीब करीब 33 फुट की लंबी ट्यूब है। इस ट्यूब में सिर्फ एक छोटी सी जगह है मेदा, जो थैला जैसा है, और भूख आपको यहाँ लग सकती है, यहीं लगेगी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहीं लग सकती है। और कब लगेगी? जब मेदा बिल्कुल खाली हो। इसके पहले हमने जो खाया है वो हजम होने के बाद जब मेदा खाली हो जाता है, स्टमक है ना, खाली होने के बाद ही भूख लगेगी। अगर ये खाली ना होता हो तो भूख नहीं लग सकती। जब ये खाली होता है कैसा होगा? जब रबड़ का बलून है ना, गुब्बारा, जब वो खाली होता है कैसा होता है? सिकड़ा हुआ होता है, सिकड़ा हुआ होता है। इसी तरह बच्चों को समझाइए और लोगों को समझाइए, समझ में आ जाएगा। जब वो सिकड़ा हुआ है मेदा, ऐसा जब मेदा मेदे के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं है, खाली हो चुका है, वो सिकुड़ने लगता है। एकदम सिकुड़ नहीं सकता, आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ कर जब वो अपने असली साइज में आ जाता है ना, आराम कर रहा है। क्यों? इस वक्त उसको काम नहीं है। अगर काम ना हो तो सबको कुछ खुशी और आनंद मिलता है। काम जितना ज़्यादा देते हैं उतने ही वो तो काम तो करना पड़ता है, करेगा पर दुखी हो जाएगा। उतना काम दें जितना वो कर सकता है, ज़्यादा काम न दें। बहुत ज़्यादा काम दें मेदे को आप, उसको तंग करते रहें, आगे कई बीमारियां आ सकती हैं। ये सिर्फ मेदे के बारे में ही नहीं, बोलने में भी, हर काम में परिमित मात्रा में मॉडरेटली करें। बहुत ज़्यादा माने किसी अंग से कोई बहुत ज़्यादा काम न लें,
मेरे गुरुजी कहा करते थे, इफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वर टू मीट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विल पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट यू। ये आदमी बिल्कुल निकम्मा है, मैंने बुद्धि बिल्कुल अकल नहीं है, बहुत काम ले रहा है हमसे, तंग कर रहा है, इस डायरेक्टर को बदलना है। तो ज्यादा काम न दे, ये न सोचना ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत मिल जाएगा। जब मैदा बिल्कुल खाली है, मान लीजिए वो सिकुड़ कर 2-3 घंटे से आराम कर रहा है शांति से, जब आराम कर रहा है तो उसके बाद क्योंकि 2-3 घंटे से आराम कर रहा है, सिकुड़ गया अपने साइज में, अंदर से माने भोजन की मांग होती है। बताऊंगा किस तरह, किसको समझें वो भी बता दूंगा पूरा। जब वो मांग हो आप खाइए, है ना, पर बहुत ज्यादा काम न देना, हर बार परिमित मात्रा में खाएं, है ना। जब ये खाली हो तो खाने लगते हैं, भूख लगती है तो खाने लगते हैं, जैसे जैसे खाते हैं, एकदम तो खा नहीं सकते, 8 रोटी एकदम खा नहीं सकते, हम तो है ना कुंभकर्ण या भीम नहीं है, ऐसे ऐसे लगा नहीं सकते जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खाना पड़ता है, चबा चबा कर लार के साथ मिलाकर आहिस्ता 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 उसको यहाँ चलाते हैं, मैदा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। जब मैदा करीब करीब आधा भर गया है, मान लीजिए हम 4-5 रोटी खा सकते हैं, हम थोड़ा उसके साथ कुछ सब्जी वगैरह भी ले रहे हैं, जब मैदा आधा भर चुका है उससे एक डकार आता है, ये कहाँ से आया, मैदा जब बिल्कुल खाली था, ये खाली मैदा बाहर से संबंधित है इस नली के द्वारा, बाहर की हवा यहाँ भी, जैसे मुंह में हवा होती है यहाँ भी थोड़ी हवा होगी, हवा माने वो रोग नहीं है जिसको वात रोग कहते हैं, वो रोग नहीं है, माने शुद्ध हवा, क्लीन थोड़ी सी हवा रहती है। जब मैदा आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर माने जब मैदा आधा बढ़ जाता है, जो हवा पहली थी उसमें उसमें आधा हिस्सा बाहर निकलता है। सब लोगों को ये पता है कि जब हो जब कुछ खा चुके हैं एक डकार निकलता है, इसका मतलब क्या है, टेलीफोन को रिसीवर को निकालें, उस आवाज़ से पता लगेगा कि टेलीफोन काम कर रहा है या नहीं, इससे काम ले सकते हैं या नहीं। इस टेलीफोन्स का भी 4 तरह की आवाज़ें निकलती हैं, है ना। जब मैदे से जब मैदा आधा भर गया है एक डकार निकलता है, ये डकार हमें क्या कहता है, तुम्हें जितना खाना है खा चुके हो, इससे ज़्यादा खाओगे तो मैं तंग हो जाऊंगा, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, यहीं ज़रा कृपा करके बंद कर दो, इससे ज़्यादा ना खाओ, पेट भर कभी ना खाना, पेट भर ना खिलाना किसी को भी, अगर किसी को नुकसान पहुँचाना सकते हैं उनको पेट भर खिलाओ, परिमित मात्रा में खाना ज़रूरी है। आयुर्वेद में, आजकल के आयुर्वेदिक डॉक्टर तो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि आप इसको अपनाएंगे उनके पास मरीज बनकर नहीं जाएंगे, इसीलिए वो बताएंगे नहीं। आयुर्वेद में ये बताया हुआ है, द्वौ भागौ पूरयेत् अन्नैः तोयेन एकं प्रपूरयेत् मारुतश्च प्रचारार्थं चतुर्थम अवशेषयेत्। मैदे को 4 हिस्से में बांट लें, 2 हिस्से माने आधा आधा मैदा तक खा लो, है ना, 1/4 हिस्सा अंदर से जो पाचक रस वगैरह जो आएगा डाइजेस्टिव जूसेस उसके लिए जगह चाहिए, उसको छोड़ दो, बाकी 1/4 हिस्सों को खाली रखो, ताकि खाने के बाद एक तरह के मंथन क्रिया होती है अंदर, चर्निंग, उसी से हाजमे का काम होता है,
है ना। अगर वो मंथन क्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं पेरिस्टाइलिसिस, अगर ये ना होता हो तो खाना हजम नहीं होगा, उससे गैस बनेगी। अगर मैदे को पूरा भर लें वो मंथन क्रिया हो नहीं सकती, क्योंकि वो सिकुड़ नहीं सकती। अगर कोई मुंह भर पानी ले लें, कुल्ला करना है, मुंह भर पानी लें कुल्ला कर सकता है नहीं, क्योंकि माने सिकुड़ेगा नहीं। तो आधे हिस्से से भरे, एक चौथा हिस्सा माने पाचक रस वगैरह के लिए खाली रखें, एक चौथा हिस्सा खाली रखें ताकि मैदा सिकुड़ सके और फैल सके और हाजमे का काम शुरू हो सके, है ना। जब मैदा आधा भर जाता है, एक डकार आता है, इसको कहते हैं तृप्ति डकार, तृप्ति, आई एम सेटिस्फाइड, मैं तृप्त हो चुका हूं, इससे ज्यादा न खाओ। अगर यही खत्म कर दें डॉक्टरों को भूखा रहना पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे हम। बच्चों को भी ज्यादा न खिलाना, आप ये न सोचना ज्यादा खिलाने से ज्यादा मिल जाता है, अगर ज्यादा खिलाएं बदहजमी होगी, कुछ नहीं मिलेगा, अगर परिमित मात्रा में खिलाएं तो सब कुछ मिलेगा। हाँ, आम तौर पर यहां हमें तृप्ति नहीं होती, क्यों, हमें पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए हमें डकार आने के बाद तृप्ति नहीं होती। प्लेट में और बाकी हैं, जो खाने परोसने वाले हैं वो कहते हैं और खाते जाओ, और ले लो, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, खीर हैं, ये हैं, वो खा लो, और मैदे के अंदर जगह भी है, हैं तो, और मन भी कहता और खा लो, ये तेरा तेरा तेरे पैसे हैं, तू ही कमाते हो, खाओ, खाते रहते हैं। जब मैदा पूरा भर गया है, जैसे दिवाली आने वाली है, दिवाली के दिन, संक्रांति के दिन, त्यौहार के दिन लड्डू वगैरह काफी हो, भर लो पूरा, जब पूरा भर जाता है उठने का भी ताकत नहीं होता, उठने का भी ताकत नहीं होता, टांगों में ताकत नहीं होता चलने का, दिमाग में ताकत नहीं है कोई काम करने का, लेटना पड़ता है, जैसे मथुरा के पंडे वगैरह हैं, खाकर लेटे रहते हैं और कुछ नहीं करते, है ना, और कुछ नहीं करते। जब मैदा पूरा भर गया है, जो बाकी जो थोड़ी हवा थी अंदर वो निकलता है। ये किसका संकेत है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, ये कहता है मैं पहले ये कहा था तुझे ज्यादा न खाने का, बहुत कुछ खा चुके हो, माने तेरे मैदा पूरा भर गया है, ये पूर्ण डकार है, जो कुछ तुम खाए हो तो ये हजम नहीं होगा, तुझे इससे फायदा नहीं मिलेगा, you know, पूर्ण डकार। मान लीजिए एक किसी दिन हम बहुत ज्यादा खा चुके हैं और पूर्ण डकार भी, दूसरा डकार भी आ चुका है, अब आराम से बैठे रहते हैं, आराम तो नहीं है, आराम मिले मिल नहीं सकता, हम सोचते हैं कि आराम से लेट रहे हैं, बैठे, हाजमा तो शुरू हो नहीं सकता क्योंकि वो सिकुड़ नहीं सकता, मंथन क्रिया हो नहीं सकती, जहां हाजमा नहीं होता वहां बदहजमी होती है, बदहजमी क्या है, सड़ाव, डिकम्पोजिशन, जो खाना हजम हो नहीं सकता वो सड़ने लगता है, ये कोई फ्रिज नहीं है वैसे ही रखने का, फ्रिज में रखे सकते हैं 3 दिन के बाद उसको बिल्कुल उसी शक्ल में ले सकते हैं, यहाँ कोई फ्रिज नहीं, यहाँ काफ़ी गर्मी है, गर्मी भी है मॉइस्चर भी है ना, ये कोई फ्रिज नहीं है, तो सड़ने लगता है, सड़ते 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 3 घंटे में कट्टे डकार निकलते हैं, जो तूने खाया है वो माने वो सड़ रहा है, हाँ देख लो समझ लो। हम पहले हलवा वगैरह खाया होगा, अब तो कट्टा डकार निकलता है, मीठा डकार नहीं। अगर कहना हो हजम होता हो या ना होता हो, इसको तो यहीं रख नहीं सकते,
अगर उसको यहीं रख लें तो बड़ी आपत्ति आ जाएगी। 6-7 घंटे के बाद, 7-8 घंटे के बाद अगर हजम होता हो या ना हो, उसको वहाँ से नीचे धकेल देते हैं छोटी आंतों में, है ना। हमारे दफ्तर में कोई बिल्कुल निकम्मा आदमी आकर बैठ गया, उनको तो पैसा तो देना पड़ता है क्योंकि हमने उसको अपॉइंट कर लिए, कुछ काम नहीं करता। अब क्या करेंगे, थोड़ा काम तो देंगे उनको, अगर काम ना करता तो उसको वहाँ से लेकर और किसी को देंगे। एक देख लो भैया तुम, तो जो यहाँ हजम नहीं होता, जो सड़ रहा है उसको